वहीं एमपी बोर्ड में परीक्षाओं को लेकर बच्चों से संवाद करेंगे। साथ ही सीएम ने शिक्षकों को भी बच्चों से निरंतर संपर्क में रहने और उनको प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो भी दोस्त हमारे कक्षा 5, 8, 9, 10, 11 और 12 सभी के लिए यहां पर बहुत बड़ी अपडेट्स मैं लेकर आ चुका हूं स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश। देखिए, प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन एवं पुनर्अभ्यास संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अभी आप लोगों को जैसा कि पता है आपका रिजल्ट कब आएगा, ये भी मैं अपडेट देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, वो है प्रश्न पत्र में गलती करने वाले शिक्षक पर लगता है 1 नंबर पर 400 रुपए तक का जुर्माना। पिछले साल 13 नंबर का बोनस मिला था, इस बार 12वीं के केमिस्ट्री बिजनेस स्टडीज के पेपर में 1 नंबर का बोनस मिलेगा। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे आप लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम 80% हुआ पूरा। मतलब आपकी जो कॉपियां चेक हो रही थी वो 80% कॉपियां चेक हो चुकी है। चलिए आगे हम देखते हैं। 50 लाख आंसर सीट जांची, चुनाव से पहले आएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। स्टूडेंट्स अप्रैल के पहले हफ्ते तक मूल्यांकन पूरा करने का टारगेट है। अप्रैल के पहले वीक में आपका जो कॉपियों का चेकिंग चल रही है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में किया जाएगा लास्ट वीक में आपका रिजल्ट घोषित। और 5वीं 8वीं के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा रही है। तो ये वीडियो हमारे 5वीं और 8वीं वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों का भी रिजल्ट जल्दी ही घोषित किया जाएगा। एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए, कि 11वीं में बिना टीसी के मिलेगा एडमिशन। अपार आईडी निजी लॉकर से दस्तावेजों का सत्यापन, ठीक है। तो यहां पर कक्षा 11वीं में बिना टीसी के एडमिशन आपको इस वर्ष दिया जाएगा। यहां पर 9वीं और 11वीं 1,41,000 कॉपियों की चेकिंग समय से पहले 1 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। देखिए यहाँ पर हमारे 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए भी बड़ी अपडेट है। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो घोषित करने का समय जो है वो 1 अप्रैल है। और 10वीं और 12वीं के परिणाम के लिए रंग पंचमी पर भी होगा मूल्यांकन। देखिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना है, इस कारण से रंग पंचमी की कोई छुट्टी नहीं है। 400 शिक्षक जाँच रहे हैं आपकी कॉपियां। तो ये शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप लोगों तक आज तो यहाँ पर आपको शिक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करवाई दी जाती है। तो आप सभी बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार आगे भी आप लोगों को नई नई खबरें प्रतिदिन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।